बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावर हुसैन, आप देख रहे हैं जावर भाई इलेक्ट्रिकल चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह आपसे राज़ी हो। आज मैं आपको लाइट प्लग और जिसे यूनिवर्सल भी बोलते हैं उसको लगाने का तरीका बताऊँगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम नीचे वाला जो फ्रेम है इसके पे स्क्रू खोल लेते हैं इस तरह से। ये ओपन वाला लाइट प्लग है जिसको यूनिवर्सल भी बोलते हैं। इसको इस तरह रखकर इसके दो और चार, दो भी होते हैं और चार भी होते हैं जो नट पेज हैं, इसको लगा देना है इस तरह से। ये देखें प्यारे दोस्तों, नट पेज को आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि बाद में शू लगाकर खींचने में ये ख़राब ना हो जाए, उखड़ ना जाए। ये तो प्यारे दोस्तों हमने लगा लिया है यूनिवर्सल फ्रेम के ऊपर। अब हम यहाँ तार को निकालना है, नीचे वाला जो लकड़ी का बोर्ड है उस जगह को काट लेना है इस तरह आरी के साथ, प्लास की मदद से उसको निकाल लेना है ताकि तार निकालने में आसानी हो। ये तो हमने फ्रेम को लगा लिया है जो नीचे वाला लकड़ी का फ्रेम है। अब हम मेन तारों को लगाएंगे। एन वाली जगह पर आपने न्यूट्रल तार को लगा देना है और एल वाले ऑप्शन में आपने करंट वाली तार को लगा देना है, रेड तार को लगाना है। सात नती तार का आपने इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर आप फ्रिज, इस्त्री, पंप वगैरह भी चला सकते हैं। वैसे हम रंधे के इस्तेमाल के लिए लगा रहे हैं जो लकड़ी को रंधने के लिए इस्तेमाल होता है। जी तो हमने कनेक्शन भी लगा लिए हैं। अब हम इसको चारों तरफ से इसके स्क्रू लगा देने हैं आपने अच्छे तरीके के साथ इस तरह से। ये देखें दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। जी तो हमने फिक्स कर लिए है। अब हम इसका मेन कनेक्शन करेंगे। मेन तारों के कनेक्शन आपने कर देना है। सबसे पहले आपने न्यूट्रल तार को लगाना है, ब्लैक तार का कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के बाद आपने सोल्यूशन टेप को अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने फेस वाली तार को लगाना है, जो करंट वाली तार होती है उसको, रेड तार को। पहले दोस्तों जोड़ को आपने अच्छे तरीके के साथ मजबूत करके लगाना है, बाद में स्पार्किंग वगैरह ना करें। हमने कनेक्शन तो कर लिया है, अब हम इसको चला कर देखते हैं। यह रंधे की तार है, हमने आगे मेन ब्रेकर भी लगाया हुआ है। ये देखें, इसको जब चलाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। चलाकर देखते हैं। जी तो पहले दोस्तों हमने ऑन कर लिया है। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है हमारा यूनिवर्सल लाइट प्लग। यहाँ हमने टू पिन शू लगाया है, आप थ्री पिन शू भी लगा सकती हैं इसके। थ्री पिन शू लगाना बेहतर होगा ताकि लूजिंग ना होगी, खुला नहीं होगा इसके सुराख, स्पार्किंग वगैरह ना करेगी। इसके आप ऊपर फ्रिज, इस्त्री, पंप कुछ भी चला सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। तो घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हर नई आने वाले वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।